हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिरक्षीकरण या प्रतिकारिता के बारे में कि एक जो नवजात शिशु होता है उसको प्रतिकारिता किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है, इम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यूबोर्न। तो आज के वीडियो लेक्चर का जो आपका टॉपिक है वो है प्रतिरक्षीकरण या प्रतिकारिता संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षीकरण नवजात शिशु को प्रदान किया जाता है। देखिए, प्रतिरक्षीकरण बचपन के रोग और विकलांगता की रोकथाम के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और कम लागत वाली रणनीति होती है और इस प्रकार यह सभी बच्चों के लिए एक बुनियादी ज़रूरत होती है। प्रतिकारिता के बारे में अगर बच्चों हम बात करें तो निम्नलिखित अनुसूची का कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिफारिश की गई है और यह बाल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा सबसे व्यापक रूप से अनुपालन किए जाने वालों में से एक है। एक महत्वपूर्ण जो ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है टीकाकरण की जो सूची होती है, जो नवजात शिशु को उसके जन्म के तुरंत बाद उसको प्रतिकारिता प्राप्त करने कराने के लिए उसको दी जाती है। बात करते हैं प्रतिरक्षीकरण क्या है, प्रतिरक्षीकरण और यह कैसे काम करता है। देखिए बच्चों, प्रतिरक्षीकरण मानव शरीर को टीकाकरण के माध्यम से विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने का एक तरीका होता है। मुख्य रूप से जो प्रतिकारिता होती है या टीकाकरण होता है वो जो है बच्चों को संक्रामक रोगों से या किसी भी व्यक्ति को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए एक जो है तरीका होता है। प्रतिरक्षीकरण हमारे शरीर को रोगों से विरुद्ध लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है और यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ताकि जो है भविष्य में कोई भी व्यक्ति रोग के संपर्क में ना आए। शिशु कुछ प्राकृतिक प्रतिरक्षण के साथ भी जन्म लेते हैं। देखिए बच्चों, जो प्रतिकारिता होती है वो किसी किसी शिशु में सिंस बर्थ भी होती है, वो उसको अपने गर्भावस्था के दौरान अपनी माता से या फिर स्तनपान द्वारा उसे प्राप्त होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो भी एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है। तो कुछ शिशु में जो प्रतिकारिता होती है वो जन्म से ही होती है और माता के जो दूध के द्वारा उसको प्रदान की जाती होती है और यह धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे शिशु की स्वयं की प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है, आपके शिशु का प्रतिरक्षण कराना उसे प्राणघातक बीमारियों के विरुद्ध अतिरिक्त बचाव भी प्रदान करता है। तो जो प्रतिरक्षीकरण होता है, प्रतिकारिता होती है, वो शिशु को बहुत सी ऐसी संक्रामक बीमारियों से बचाता है जो कि उसके लिए जानलेवा हो सकती हैं। बच्चों के शरीर में जो रोग प्रतिरोधक टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चे के शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। देखिए बच्चों, अभी हमने बात की थी प्रतिकारिता की कि प्रतिकारिता क्या है। तो प्रतिकारिता एक तरह से, पहले तो हम प्रतिकारिता के बारे में ही समझते हैं बच्चों कि प्रतिकारिता एक तरह से रोगों से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, इम्यूनिटी है, कि प्रतिरक्षीकरण या प्रतिकारिता एक तरह से संक्रामक रोगों से बचाव के लिए व्यक्ति के अंदर या किसी भी शिशु के अंदर जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो प्रतिकारिता कहलाती है। अब ये प्रतिकारिता या प्रतिरक्षीकरण जो टीकाकरण के द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कहीं कहीं ये कभी कभी ये जो बच्चों में सिंस बर्थ अपनी माँ के या जो बच्चे जो है माँ का दूध पीते हैं उनके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक पाई जाती है। अगर हम अब टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण के द्वारा ही बच्चों को विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से लड़ने की प्रतिकारिता प्रदान की जाती है। अब ये कौन से टीकाकरण है, जैसे कि खसरा है, टिटनस है, पोलियो है, क्षय रोग है, गलघोटू है, काली खांसी है, हेपेटाइटिस बी है, इन सभी की जो वैक्सीन है वो बच्चों को लगाई जाती हैं ताकि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग जो उसके लिए जानलेवा हो सकते हैं उनसे उनको बचाया जा सकता है। तो उनको एक तरह से प्रतिकारिता प्रदान की जाती है। शिशु को जो है जीवित रहने के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और नियमित टीकाकरण को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके नवजात शिशु के जीवन पर उसका
घातक प्रभाव भी पड़ सकता है। शिशु के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका माना जाता है। विश्व में आधे से अधिक बच्चे खतरे की परिस्थिति में और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक टीका प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य रूप से कारण होता है बच्चों, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिनका टीकाकरण नहीं हो पाता है, वो क्यों होता है, या तो फिर शिक्षा का अभाव है कहीं ना कहीं, या फिर निर्धनता के कारण। ठीक है, तो क्योंकि उनको उनके जो माता पिता हैं उनको पता ही नहीं होता, अज्ञानता के कारण वो टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, जिससे वो बहुत से संक्रामक रोगों का शिकार हो जाते हैं और मृत्यु का आंकड़ा जो होता है, जैसे कि बाल मृत्यु दर का आंकड़ा वो बढ़ जाता है। तो और साथ ही शिशु का टीकाकरण किया जाए तो विश्व में उनके बचाव में लगभग 15 लाख शिशु मृत्यु को रोक यानी कि जो शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है। विगत 2 दशकों की अगर बात करें बच्चों, तो 2 दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकांकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में जो है सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति इसमें की गई है। अब देखिए, भारत में जो पोलियो था उसको पोलियो मुक्त करने का जो अभियान चला था, वो काफ़ी हद तक सन 2014 में पोलियो मुक्त भारत और सन 2015 में मातृत्व एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन का सर्टिफिकेट उसको मिला है। तो पोलियो जो एक जानलेवा बीमारी संक्रामक रोग है, अब भारत उससे मुक्त हो चुका है टीकाकरण के कारण। टीकाकरण परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, और अपने शिशुओं का टीकाकरण करके हम अपने समुदाय के सबसे अधिक जोखिम ग्रस्त सदस्य जैसे नवजात शिशु की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जो आज का शिशु है वो ही हमारे कल के देश का एक जो है कर्णधार होगा, वो एक ऐसा नागरिक है जो हमारे जो है हमारे देश के विकास में सहायक होता है। साथ ही पूर्ण टीकाकरण जो बच्चों पूर्ण टीकाकरण को गति प्रदान करके जो है वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया है, और यह लाभार्थियों की संख्या, भौगोलिक पहुंच और टीकों की मात्रा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। यानी कि एक भारत सरकार द्वारा बच्चों टीकाकरण एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2,70,00,000 नवजात शिशुओं को लक्षित किया गया है। यानी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इंद्रधनुष जो मिशन इंद्रधनुष है उसके माध्यम से 2,70,00,000 नवजात शिशुओं को इसमें जो है संक्रामक रोगों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण कराया जाएगा, ताकि बच्चे जो हैं जानलेवा बीमारी से बच सकें। तो गर्ल्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात की प्रतिरक्षीकरण के बारे में, टीकाकरण के बारे में, कि जो इम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यूबॉर्न की प्रतिरक्षीकरण किसी भी नवजात शिशु के लिए प्रतिरक्षीकरण का क्या महत्व है। ठीक है, क्यों जो है बच्चों को टीकाकरण किया जाना चाहिए, ताकि उनको जो है विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से उनकी रक्षा की जा सके। जैसे कि गर्ल्स, हम सभी जानते हैं कि अभी भी COVID-19 के चलते जो है वैक्सीन बनाई गई, वैक्सीनेशन चला का अभियान जो चलाया जा रहा है। ठीक है, क्यों चलाया जा रहा है, कि ताकि जो है जो कोरोना है उससे लड़ने की क्षमता जो है इस जो रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो स्ट्रॉन्ग क्षमता उसमें व्यक्तियों को प्रदान की जा सके। तो वैक्सीनेशन के माध्यम से जो है टीकाकरण के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है कोरोना जैसे संक्रामक भयानक जो रोग है उस पर जो है काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। तो टीकाकरण जो है विभिन्न प्रकार की संक्रामक रोगों से बचने के लिए जो है नवजात शिशु को, व्यक्तियों को एक तरह से प्रतिकारिता प्रदान करती है, ताकि जो है हमारे देश को एक ऐसा स्वस्थ नागरिक मिल सके जो कि कल के देश के विकास में, उन्नति में, उसके विकास में सहायक होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जो प्रतिकारिता के बारे में बात की, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि कौन कौन से जो हैं संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए टीकाकरण, कौन कौन से टीके और कौन कौन से संक्रामक रोग हैं, और कौन कौन से ऐसे टीके हैं जो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद उनको दिए जाते हैं, उनका एक पूरा जो है कार्ड होता है टीकाकरण का, वो कौन से ऐसे टीके हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गर्ल्स। ओके गर्ल्स, टेक केयर।